और मित्रों क्या हाल चाल है। और देखो एक दो दिन से एक कुकर वाला मीम बड़ा वायरल हो रहा है, मतलब आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक भेड़ चोद हर जगह ये मीम दिख जाएगा। मतलब इस मीम का कोई लॉजिक नहीं है पर वायरल हुए जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस मीम को नहीं देखा, आज की वीडियो के अंदर आपको उस मीम को दिखाने वाला हूँ और कुछ थोड़ी बातचीत और करेंगे इस मीम के अलावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात मेरे साथ। अब देखो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरे दो जनरली निवेदन है। पहला निवेदन ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड एक बेल आइकन है उसको दबा दो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो, जाके चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन उसको ग्रे कर दो, साइड एक बेल आइकन उसको भी दबा दो। और दूसरा निवेदन ये है कि अपने कानों के अंदर ईयरफोन घुसेल लो, घुसेल लिए बहुत समझदार हो गया, फिर भी जिन लोगों ने अभी तक नहीं घुसेड़े तो घुसेल लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे वचन आ सकते हैं जो आपके घर वाले ना सुने ज्यादा अच्छा ही रहेगा। तो लगाते हैं अपने कुकर वाले मीम को, तो लगाओ यार। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था, वहाँ कौन था, मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था, कौन था, कौन था, ये राशि कुछ भी। मतलब इस भाई के लिए मेरी तरफ से सच में जोरदार तालियां बजाई जाए। क्या भाई, मतलब क्या गाना लगाया, मतलब इस कुकर का लॉजिक मेरे को उस टाइम में भी समझ में नहीं पड़ा था, आज भी समझ में नहीं पड़ रहा। और मुझे ऐसा लगता है शायद इसके पीछे वो साउदर्न इंडिया वाले ही पड़े हैं, इंडिया जो भी आते रहते हैं क्राइम पेट्रोल वाले वो ही पड़े हैं, तो जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। लगाओ यार। ऐसी क्या मजबूरी थी राशि की जिसने खाली कुकर को गैस पे चढ़ा दिया, क्या दाल उसको बचानी थी कि लॉकडाउन की वजह से उसको घर पे बैठे बैठे पागलपंती के दौरे पड़ गए। आज अपन इसी चीज का खुलासा करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर पे रहें और हमारा टीवी सीरियल देखते रहें। जय हिंद। मतलब इस बच्चोदी के अलावा एक दो वीडियोस मैंने और देखी थी इस टीवी सीरियल के ऊपर, कोकिला बहन की एक दो वीडियोस देखी थी, तो लगाओ यार उनमें से कुछ वीडियोस को। तो लगाते हैं पहली वीडियो। क्या एक्सीडेंट, कहाँ हैं आप सब, मैं अभी आ रही हूं। इस बच्चोदी के बाद ये साइकिल अपन लोगों के बीच में नहीं रह पाई। अगर आप किसी हाथी को साइकिल के ऊपर बिठा लोगे ना तो साइकिल का भी ऐसा ही हाल हो जाएगा जैसा इसने होने वाला है, और जो इस वीडियो में हो चुका है पर वो दिखाया नहीं है। तो अपन 2 सेकंड के लिए साइकिल के लिए मौन व्रत धारण करते हैं, 2 सेकंड का मौन करते हैं। तो लगाते हैं अगली बच्चोदी को, तो लगाओ यार। नहीं गोपी, हमारे घर में बरसों से चलता आया नहीं। अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ, हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। मतलब जो अपने सीरियल के अंदर कोकिला बहन आती है ना, उनको निकलवाओ, इन आंटी जी को भर्ती करो उनकी जगह पे। सच बात कह रहा हूँ, जो बच्चोदी वो नहीं कर पाती वही आंटी जी कर लेंगी। और अपने देश के अंदर कैसे कैसे लोग वायरल हो जाते हैं, मैं कभी का कंफ्यूज हो जाता हूँ। विनोद, जेसीबी की खुदाई, बोतल ओपन कैप चैलेंज, और दूसरा ये कुकर। मुझे लगता है आने वाले समय में जली हुई रोटी भी वायरल होने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है ये चूतियापंती कभी कमी नहीं पड़ेगी। अपन लोगों को नई नई चूतियापंती देखने को मिलती रहेगी, और ऐसी चूतियापंती आपको हर प्लेटफॉर्म में मिलेगी, इंस्टा ट्विटर फेसबुक यूट्यूब हर जगह आपको ऐसे बच्चों दे मिलते रहेंगे, सच बात कह रहा हूँ।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हो। कमेंट में बताना आपको इस वीडियो के अंदर क्या बुरा लगा, अगर आपको क्या अच्छा लगा तो क्यों लाइक किया, और आपको कुछ सजेशन देना तो आप मुझे दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, गाली भी देनी तो वो भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना कि मुझ पे। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं करा तो जाके शेयर करो, कुकर के साथ साथ इस वीडियो को भी वायरल करो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड बेल आइकन उसको दबा दो, चैनल सब्सक्राइब करा करो यार, समझा करो यार। मतलब मज़ा नहीं आता, इतनी मेहनत लगती है, सुबह 6-5 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय। कर कि बेस बाजा काली थार में, यारी का ना शोक पावा बंदे जार में। कि कर कि बेस बाजा काली थार में, यारी का ना शोक पावा बंदे जार में। सच्ची नीत तय करे तो काम नेक बन जा।